यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, ठीक है, आइडेंटिटी है। और आपको प्रूफ ये करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू फाइंड करनी कितनी होगी। तो आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसकी जगह ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। प्लस इसकी जगह ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और इसकी लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना है 1 ऑलरेडी, ठीक है, समझ आया। अभी देखो ये जो 1 है एक ये 1 है और एक ये 1 है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 1 है इसमें इस लाइन में 1, 2 और 1, 3 इनको ऐड कर दिया 3 हो जाएगा, पर ये जो 1 है इसको इधर लाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अभी यहाँ देखो जो साइन अल्फा है वो आपका माइनस का है, इधर ब्रैकेट के अपोजिट साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो गया आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का। सिमिलरली माइनस का बीटा भी है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, 3 माइनस 2 करो कितना आ गया, हो गया, कुछ नहीं था क्या कर, हाँ अगर डायरेक्ट आप याद कर लो तो बेटर है, बट कितने रिजल्ट्स आप डायरेक्ट याद रखोगे, आपने ये याद कर लिया ना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपने याद कर लिया। अगर आपको ये याद है तो आप विदिन अ सेकंड ड्राइव कर सकते हो, और अगर आप इसको याद कर लो तो और भी अच्छी बात है, क्वेश्चन में टाइम बचेगा पेपर में, है ना। बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अप्रोच सीखनी चाहिए कि हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम्स को, जैसे कॉस स्क्वायर था उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर करना, यही इस क्वेश्चन में ट्रिक थी ना, अगर आपने ये कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर, समझ गए।